हेलो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बहुत ही सिंपल तरीके से टमाटर के पराठे कैसे बनाए जाते हैं उसकी विधि बताते हैं। और टमाटर के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना बताएंगे। तो मैंने टमाटर के पराठे बनाने के लिए ये मैंने टमाटर लिए हैं, ये 3 से 4 टमाटर हैं और बारीक टुकड़ों में इसको काट रखे हैं। तो इनको हम सबसे पहले इसका मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला बनाने से पहले मैंने मसाला टमाटर लिए 2 से 3 और ये मैंने बारीक दरदरा लहसुन, इसको लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने बारीक बना रखा है। और ये मैंने बिल्कुल कटे हुए प्याज लिए हैं, बिल्कुल बारीक है 1 से 2। ये 1 से 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई और ये हरा धनिया है बिल्कुल बारीक कटा हुआ। तो ये मैंने कढ़ाई लिए, गैस ऑन कर दी, कढ़ाई को हम थोड़ा गर्म करते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा ऑयल डाला है, ऑयल को हम गरम करते हैं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, इसमें सबसे पहले जीरा डालते हैं। जीरा भी देख सकते हैं अच्छे से चटक चुका है। अब इसमें हम हींग डालते हैं। तो हींग भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब प्याज लिया था, प्याज भी डालते हैं। प्याज को मिक्स करते हैं। जो मैंने हरी मिर्च ली थी ये भी डालते हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सा भूनने के बाद में इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन हम बाद में डालेंगे क्योंकि पहले डालने से जल जाता है, तो इसकी पूरी जो खुशबू होती है लहसुन की पूरी निकल जाती है, इसलिए हम थोड़ा बाद में डालेंगे। तो प्याज और हरी मिर्च हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम लहसुन डालते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट है ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है क्योंकि हमारा मसाला जल सकता है। मसाला हमारा अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट भी हो चुका है, अच्छे से पक भी चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। और इसमें हम अब मसाला ऐड करते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये लाल तीखी वाली हरी लाल मिर्च है, ये तीखी वाली है। और ये कसूरी मिर्च है, ये वाली तीखी नहीं होती, ये कलर वाली है, इससे कलर बहुत ही प्यारा दिखता है। तब इनको सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम जूस नहीं डालेंगे क्योंकि ये तो टमाटर हमारे खट्टे होते हैं, इसलिए इसमें अमचूर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसमें थोड़ी सौंफ डालते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला डालते हैं और इसको पकाएंगे। तो तब तक हमारा ये मसाला तैयार होता है, तब तक हम दूसरा वाला पैन लेते हैं। तो ये मैंने पैन लिया है, गैस ऑन करेंगे और इसमें हम 2 चम्मच बेसन की डालेंगे और बेसन को थोड़ा हम सेकेंगे। तो ये मैंने 2 चम्मच बेसन के लिए, अब इसको हम अच्छे से सेकते हैं, इसको ज्यादा नहीं सेकेंगे।
और एक हरी का बना हुआ बेसन है। और आप इस तरीके से टमाटर के पराठे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बेसन हमारा सिकना स्टार्ट हो चुका है, इसको हमें ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का जो इसका कच्चापन होता है वही हमें निकालना है। तो देख सकते हैं बेसन का हमारा कलर भी चेंज हो चुका है और सिक भी चुका है। अब गैस बंद करेंगे और जो हमने टमाटर का मसाला बनाया था इसमें हम डालते हैं और इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका, अब इसमें हम धनिया डालते हैं और मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है, नमक अब डालेंगे इसमें। तो देख सकते हैं हमारा मसाला कितना प्यारा दिख रहा है, अब इसमें हम नमक डालते हैं और नमक अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और नमक डाल के इसी तरीके से इसको ठंडा होने देंगे, नमक में हम अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे पूरे मसाले में, क्योंकि हमारा मसाला अभी गर्म है तो पानी छोड़ सकता है। और तब तक हम आटा लगा लेते हैं। ये मैंने आटा लिया, आटा हम बिल्कुल सॉफ्ट लगाएंगे। आटे में मैंने नमक भी डाल लिया है तो इसमें पानी डालेंगे और आटे को हम बिल्कुल सॉफ्ट लगाएंगे। आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट लग चुका है तो ये मैंने तवा भी लिया है, गैस मैंने ऑन कर दी, तवे को गरम करेंगे और तवा हमारा गरम होता है तब तक हम पराठा बेल लेते हैं। तो ये मैंने लोई लिया, इसको बिल्कुल गोल शेप में देंगे और थोड़ा आटा लगा के इसको बेलते हैं। और नमक मैंने जो मसाले में डाला था वो नमक मैंने मिक्स कर लिया है मसाले में। मसाला लिया था टमाटर का मसाला, देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, इसमें डालते हैं। और इसको अच्छे से पैक करके इस तरीके से इसको पैक करना है ताकि हमारा मसाला बाहर नहीं निकल सके। और इस तरीके से थोड़ा इसको फोल्ड करेंगे और इसको चारों तरफ से आटा लगा के अच्छे से हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि हमारा मसाला बाहर नहीं निकल सके। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मसाला हमारा बाहर नहीं निकला है, दोनों साइड से बिल्कुल मसाला बाहर नहीं निकला है। तो हमारा पराठा भी तैयार है और तवा भी हमारा गर्म हो चुका है तो अब इस पे हम डालते हैं। और तब तक ये सीखता है, हम दूसरा वाला भी तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये मैंने फर्स्ट साइड से ऑयल लगा दिया है, अब इस साइड से लगाएंगे। इस साइड से भी पलटते हैं तो देख सकते हैं हमारा पराठा कितना अच्छा दिख रहा है, और बिल्कुल फूल भी चुका है पराठा। ये पराठा हमारा अच्छे से फूल भी चुका है। अब इस साइड से भी सेकते हैं। ये पराठा हमारा देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। इस साइड से भी ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इनका कलर भी पराठे का। और ये टमाटर का पराठा है आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम दूसरा वाला भी डाल देते हैं। इसका मसाला भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है। तो ये हमारे पराठे आप देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है ये पराठा। ये टमाटर का पराठा है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसका मसाला बाहर नहीं निकला है। तो हमारी सिंपल तरीके से टमाटर के पराठे बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही।